गुरु भगवान की शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अब हम ये चौथे अध्याय का 18वां श्लोक है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। अब भगवान कह रहे हैं जो कर्म में अकर्म देखता है, उसको कोई कर्ता बनने का अहंकार नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है। वो कहता है जो हो रहा है सब ठीक है, सब बढ़िया है। उसके सभी कर्म में कोई ईगो नहीं है और कोई फल की इच्छा नहीं है। उसका एक भाव है कि भगवान की सृष्टि है, भगवान का संसार है और मुझे भगवान को याद करना है और सेवा करना है। तो संकल्प उसका कोई नहीं होता है, उसके सामने सेवा आती है और उससे हो जाती है। उसे कोई फल की इच्छा भी नहीं है, कोई आसक्ति भी नहीं है, कोई कर्तापना भी नहीं है। कर्तापना तो वहाँ होता है ना, जहाँ पैसा चाहिए, जहाँ कुछ कामना हो। अब कोई कामना भी नहीं है, कोई फल की इच्छा भी नहीं है, कुछ चाहिए भी नहीं, तो क्या होगा? ना कर्तापना है ना कामना है। तो उसको क्या होता है, उसके कर्म में अकर्म है, कर्म में अकर्म है। कर्म तो हो रहे हैं पर फल की इच्छा नहीं है। जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान करा रहे हैं। तो उसमें कोई ईगो नहीं है, कोई कर्तापना नहीं है। और तो उसके कर्म अकर्म मतलब बांधने वाले नहीं होते हैं। और उसके सब कर्म जो हैं वो जैसे भुना हुआ बीज फिर अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही उसके कर्म जो है उसको जन्म मरण के चक्र में डालने वाले नहीं होते। उसके कर्म जो हैं उसको मुक्त करने वाले होते हैं, उसको जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाले होते हैं। वो सब कर्म में फल की इच्छा नहीं है, कर्ता बनने का अहंकार नहीं है, कोई उसकी मैं नहीं है, कोई उसकी आसक्ति नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए संसार से, उसका तो सिर्फ प्रेम है। उसके सामने सेवा आती है, आंखें देखती हैं और शरीर से सेवा हो जाती है। अब उसको ना नाम चाहिए, ना शोहरत चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना उसको कोई सुख आराम चाहिए, बस सेवा सामने आई और हो गई। उसे कोई चिंता भी नहीं है, कोई फिक्र भी नहीं है, कोई स्ट्रेस भी नहीं है। क्यों? कहता भगवान का काम है, भगवान करा रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है। यहाँ तो संसार पूरा भगवान का है, सब उनकी कृपा से हो रहा है। चिंता स्ट्रेस तो तब होते हैं ना, मैं कर रहा हूँ, मेरा काम है, इतना फ़ायदा होना चाहिए, इतना ऐसे होना चाहिए। जब हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चाहना होती हैं, बहुत बड़ा काम होता है, बहुत लोगों को तनख्वाह देनी होती है, तो उसमें बहुत स्ट्रेस होता है। पर अगर कोई समर्पित है, उसको कुछ नहीं चाहिए, जैसे गुरु जी सेवा कर रहे हैं, अम्मा जी को क्या चाहिए था? कुछ नहीं। तो ये लोग, इनके सब क्या है, कर्म में अकर्म है। कर्म कर भी रहे फिर भी उनके कर्म उन्हें बांध नहीं रहे, उन्हें जन्म मरण से मुक्त कर रहे। कर्म करने का एक वेग होता है, जैसे भगवान ने कहा गीता में कि कोई भी मनुष्य बिना कर्तव्य कर्म करे क्षण भर भी नहीं रह सकता। भाई आज जो लोग समाधि में भी रहते हैं, ध्यान में भी रहते हैं, भजन में भी रहते हैं, तो वो भी तो खाएंगे पियेंगे, तो वो भी ना लेटरिन बाथरूम भी तो वो भी जाएंगे, क्रिया तो उनसे भी हो रही है। तो पर उनकी उनका जो कर्म होता है, क्रिया होती है। क्रिया में जैसे हमारे अंदर के शरीर में इतनी क्रियाएँ हो रही हैं, खाना पच रहा है, दिल धड़क रहा है, लंग्स सांस ले रहे हैं, किडनीज अपना काम कर रही हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, कितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं। एक भी क्रिया ना हो तो, यूरिन खुल के ना आए तो हालत ख़राब हो जाती है, मोशन क्लियर ना हो तो हालत ख़राब हो जाती है। ये सब क्या है? ये सब हम कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। ये सब तो हो रहा है, ये सब क्रियाएं हैं। और जो हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है वो सब कर्म है, और जो सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल्ड है, सब हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस, वो सब क्रियाएँ। क्रियाएँ हमारे खाते में नहीं आती, वो तो हो रही हैं, ऐसे ही उसके कर्म भी हो रहे हैं। तो कर्तापन से होने में आ जाए, करने से गुरु कहते हैं होने में आ जाओ। कर्म कर नहीं रहे पर हो रहे हैं।
क्यों? फल की इच्छा नहीं है, कर्तापने का अहंकार नहीं है। फल की इच्छा न रखने से राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग मिट जाता है। यानी फल की इच्छा नहीं रखते तो नया राग नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करते हैं तो पुराना राग मिट जाता है और साधक वीत राग हो जाता है, उसे कुछ नहीं चाहिए संसार से। कोई कर्म करने का वेग है वो भी मिट गया, भाई सेवा हो रही है, सेवा हो रही है, कर्म करने का वेग भी मिट गया। वीतराग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब उसे कुछ नहीं चाहिए और केवल सेवा हो रही है तो उसके सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं और वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब अनेकों जन्मों में हमने लोगों से के साथ कर्म का संबंध बनाया, अब वही लोग हमारे परिवारजन, हमारे आसपास के लोग बन के आते हैं, तो अब क्या करें? हम सेवा कर दें, बल्कि कुछ इच्छा ना करें, न मान की, न सम्मान की, न प्रेम की, न सुख की, न आराम की, किसी चीज़ की इच्छा ना रखें। कर्म हो रहा है, अब जैसे गुरु ने हमें निष्काम सेवा दी, निष्काम सेवा में तो और आसान है कर्म में अकर्म देखना, क्यों? कुछ चाहिए ही, बल्कि इच्छा तो पहले ही खत्म हो गई और कर्तापने का अहंकार भी नहीं है। गुरु करा रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। यदि प्रयोजन होता है तो वह कर्म योगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है। यानी प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों करे चाहे ना करे, दोनों से उसका कोई मतलब नहीं होता। तो अगर है तो वो कर्म योगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है। जब तक साधक का प्रकृति से संबंध है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, अपने को शरीर मानता है, तो कह रहे हैं तब तक उसकी मतलब संसार में उन्नति होती है। भाई गाड़ी बड़ी हो गई, मकान बड़ा हो गया, घर में पैसा आ गया, सुख सुविधाएं हो गई, तो वो कहता है मेरी संसारिक उन्नति हो गई, सब चीज़ें आ गई और काम अच्छे से चल रहा है, संसारिक उन्नति हो गई। तो कह रहे हैं ये जो साधक है वो निर्लिप्त रहता है, तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए, तो ये लोग निर्लिप्त हैं। कर्म हो रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कितना नाम अवतार कहा जाता है, कितना बड़ा काम किया, रमण महर्षि कितना बड़ा काम किया, मीरा ने क्या किया बताइए, इतना आज तक मीरा का ही भजन गाया जाता है, मेरे तो किधर गोपाल दूसरों ना कोई, उसने क्या किया? कर्म उसके सब अकर्म थे, क्यों? उसे कुछ चाहिए नहीं, पर कर्तापना भी नहीं है, फल की इच्छा भी नहीं। ऐसे ही हम गुरु जी के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल सेवा हो रही है। हमारा काम क्या है? सत्संग रूपी सेवा हो रही है, गुरु करा रहे हैं, गुरु की कृपा से हो रही है, और फल भी गुरु को ही, भगवान को ही अर्पण है। करण करावन आपे आप, मानुष के कच नहीं हाथ, सब हो रहा है। इसलिए निर्लिप्त रहते हुए भी लोग संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म करना है, यही अकर्म में कर्म है। कहना निर्लिप्त रहते हुए लोक संग्रह के लिए, सबके हित के लिए कर्म करना है, यही अकर्म में कर्म है। अब योग माने क्या? कहना योग मतलब कि समता में स्थित होकर कर्म करना। अब आप कर्म कर रहे हैं, आपको चाहिए तो कुछ नहीं, पर आप खूब गुस्सा कर रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं, कभी गुस्सा कर रहे हैं, तो कहने समता नहीं बनी रही, समता बनी रहे कर्म करने में, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण में, हानि लाभ में भी समता बनी रहे, सब ठीक है। सब हमने तो अपना देखिए, एक उसने कहा, एक स्टार ने कहा या एक एक्टर ने कहा कि मेरी फिल्म रिलीज़ होती है फ्राइडे को, मैं थर्सडे रात तक इतनी मेहनत करता हूँ, पूरी अपनी 100% दे देता हूँ, फिर मुझे कुछ नहीं है कि मेरी फिल्म चले या ना चले, चले तो बहुत अच्छा, ना चले तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने अपनी जान लगा दी, मैंने अपनी पूरी मेहनत कर दी। तो हम अपनी पूरी मेहनत करते, आगे भगवान आपकी मर्जी। फिर कहा कि जो अकर्म में कर्म देखता है, अकर्म मतलब कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं कर रहे पर कर्म देखता है कि अकर्म में कर्म आओ। अभी गीता जी में क्या लिखा है? गीता जी में लिखा है कि कर्म करते हुए भी वो निर्लिप्त न्यारा रहता है, और अकर्म में कर्म देखता है मतलब वो निर्लिप्त होके कर्म करता है,
वो क्या करता है, करते करते हुए निर्लिप्त रहता है, और वो निर्लिप्त होते हुए कर्म करता है, उसे तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो निर्लिप्त निहारा। जैसे अम्मा जी थे, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था, जैसे बड़े बड़े संत होते हैं उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था, तो वो निर्लिप्त रहते हुए कर्म करते हैं, जैसे मदर टेरेसा। तो अब इसमें देखना है कि ये लोग समता में रहते हैं, तो निर्लिप्त रहते हुए जो कर्म करता है वो उसका क्या है, उसका अकर्म में कर्म है। जैसे रमन महर्षि का बताया था, इतना बड़ा बड़ा काम होता था उनसे, लोग जो है विदेश से आते थे और खाली बैठ जाते थे, वो बोलते भी नहीं थे और सबको उनके आंसर्स मिल जाते थे। उनका क्या था, अकर्म में कर्म। तो गुरु कहते हैं कि हमारा भी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म होता जाए, हमारा कोई आग्रह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, केवल सेवा हो रही है, गुरु जी का काम है और गुरु जी सेवा करा रहे हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हो गया, कर्म में अकर्म। अब दूसरा श्लोक है, चौथे अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित यानी बुद्धिमान कहते हैं, उसके सब कर्म कामना और संकल्प से रहित होते हैं। उसके कर्मों में कोई कामना भी नहीं है, कोई संकल्प भी नहीं है। बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत फेमस और बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, संकल्प क्या होता है, कोई चीज़ हमें अच्छी लगी, कोई चीज़ हमारा करने का भाव, तो बार बार हमारा मन करेगा इसे कर लो या ये चीज़ मिल जाए। जैसे एक लड़की ने स्कूटर चलाना उसका मन है और उसे स्कूटर चलाना सीख भी लिया, पर उसके पास स्कूटर है नहीं, उसने अपने कज़न के उस पर सीख लिया स्कूटर पे, तो उसके मन में बार बार क्या होगा, मुझे स्कूटर मिले, मुझे स्कूटर मिले। पहले संकल्प हुआ और फिर कामना हो गई। पापा से भी उसने बार बार कहा, पापा ने कहा हाँ दिलाएंगे, हाँ दिलाएंगे। अब उसके मन में बार बार कामना होगी, मुझे स्कूटर मिले, मुझे स्कूटर मिले। अब दूसरी उसकी कज़न है, उसकी मम्मी चाहती है कि ये भी सीख ले, पर उसका ठीक है, तो उसकी मम्मी ने कहा तू भी सीख ले, उसकी ना कोई संकल्प है ना कोई कामना है, उसको भी दिला दिया उसकी मम्मी ने, तो उसे बिना संकल्प और कामना के मिल गया। तो भगवान कह रहे हैं कि संकल्प और कामना से रहित जिसके कर्म होते हैं, तो उसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते। ये तो मैंने वैसा बड़ा स्थूल एग्जाम्पल दिया, गुरु के ज्ञान से समझे एग्जाम्पल, जैसे कहा कि संकल्प और कामना दोनों कर्म के बीज हैं। कोई कामना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कुछ चाहिए भी नहीं, सेवा हो रही है। कौन करा रहा है, ठाकुर जी करा रहे हैं। काम किसका है, गुरु जी का काम। हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो गई, सेवा हो गई उसकी एक खुशी है बस। हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या मिला, लड्डू पेड़। तो ये सब क्या है, इनके कर्म में कोई कामना नहीं है और कोई संकल्प नहीं। हमें मान मिले, ये सत्संग में बहुत ज़्यादा कामना हो जाती है, मुझे मान मिले, तो ये कामना भी नहीं होनी चाहिए कि मुझे मान मिले। सारा मान किसका है, ठाकुर जी का है, गुरु जी का है। अगर हम देखें हमें क्या आता था, ना तो हमें ज्ञान आता था, ना हमें, ना हमारी कोई शक्ति है, ना हमारी कोई समझ है। सारा ज्ञान गुरु जी का है और सारी शक्ति परमात्मा की, तो हम काय का अहंकार करें। उसके कर्मों में कोई संकल्प नहीं होता, कोई कामना नहीं होती। कह रहे हैं संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीच है, संकल्प और कामना न रहने पे कर्म अकर्म हो जाते हैं। कोई संकल्प भी नहीं है, कोई कामना भी नहीं है, तो कर्म अकर्म हो जाते, सेवा आई और हो गई बस। जब हमको कर्तापना होगा तो इसको डांटेंगे, उसको डांटेंगे, इससे कुछ कहेंगे, उससे कुछ कहेंगे, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। कर्म अकर्म हो जाते हैं मतलब बांधने वाले नहीं रहते, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं बांधते, वो जली हुई रस्सी की तरह हो जाते हैं। सिद्ध पुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने के द्वारा होने वाले कर्म बंधनकारक नहीं होते। कह रहे जो पुरुष सिद्ध हो गया है
उसके कर्म भी बंधन का कारक नहीं होते, वो जले हुई रस्सी की तरह होते हैं, जले हुए मतलब भुने हुए बीज की तरह होते हैं, भुना हुआ बीज फिर अंकुरित नहीं होता, जली हुई रस्सी किसी को बांध नहीं सकती, ऐसे उसकी उसके कर्म किसी को बांधने वाले नहीं होते। वो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है और कर्म करते हुए बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने बहुत अच्छा, देखिए कामना जो है, जैसे स्वामी राम सुखदास जी ने अपना जोत जोत में समाने से या महासमाधि लेने से 3 दिन पहले एक व्याख्यान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य कोई संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो कामना का त्याग इतनी बड़ी चीज़ है, तो लोग उन्होंने कहा कि चुप हो जाए। 2 बातें उन्होंने बताई, एक कामना का त्याग और एक उन्होंने कहा मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये कह के चुप हो जाओ। तो फिर दूसरे दिन लोगों ने बुलाया, 3 दिन पहले की बात है, फिर एक दिन और लोगों की रिक्वेस्ट पे आए तो उन्होंने कहा, प्रश्न पूछा कि चुप होने में और कामना रहित होने में क्या क्या फर्क है। उन्होंने कहा एक ही बात, चाहे कामना रहित हो जाओ चाहे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मतलब ना कोई कामना है ना कोई संकल्प। भगवान ने कितना में कई जगह कहा है कि विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना हो जाती है, कामना न पूरी होने पर क्रोध आता है और मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है, उसे अध्याय में कहा। फिर 6वें अध्याय में भगवान ने कहा कि अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, संकल्प विकल्प का त्याग करने वाला सन्यासी। तो भगवान कई जगह कह रहे हैं, तो कामना और संकल्प दोनों का हमें त्याग करना है। अब एक मोटर जो होती है उसकी 4 अवस्थाएं होती है, एक तो गैरेज में खड़ी रहती है, एक हमने इसका इंजन स्टार्ट करा, तीसरा हमने उसको चलाया, उसके पहिए चले, चौथा वो ढलान आ गई तो हमने वो बंद कर दी उसकी मोटर, खाली पहिए चल रहे हैं, है ना। पहली स्थिति में जब गाड़ी खड़ी हुई है गैरेज में तो ना इंजन चल रहा है ना पहिए चल रहा है, फिर दूसरी स्थिति में इंजन चलता है पर पहिए नहीं चलते, गाड़ी स्टार्ट करी ना खाली तो इंजन चल रहा है पर पहिए नहीं चल, तीसरी स्थिति में इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते, अच्छा चौथी स्थिति में उसने जब ढलान आ गई तो उसने मोटर तो बंद कर दी अब खाली पहिए चल रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य की भी 4 अवस्थाएं होती है। तो पहली स्थिति क्या है, ना कामना होती है ना कर्म होता है, बैठा है मानिए ध्यान में बैठा है, ना कामना है ना कर्म हो रहा। दूसरी स्थिति में क्या होता है, कामना होती है पर कर्म नहीं होता, कामना तो बहुत है मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए पर कर्म नहीं कर रहा, तो ये स्थिति बहुत बेकार है। तीसरी स्थिति कामना भी होती है खूब कर्म भी करता है, ज़्यादातर संसार में लोग कैसे होते हैं, या तो वही कामना में होते कर्म नहीं करेंगे या खूब कामना खूब कर्म करेंगे, कोई बात नहीं वो भी अच्छे हैं कर्मठ लोग हैं, कामना भी है और कर्म भी कर रहे हैं, तो गुरु कहते हैं सुखी दुखी नहीं हो, कर्म करो कामना से करो भले ही पर सुखी दुखी मत हो। अब लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे बहुत बड़ा काम शुरू कर देते हैं, बहुत पैसा उठा लेते हैं मार्केट से और बहुत उधार ले लेते हैं, बड़े बड़े लोग काम कर लेते हैं, जब फिर वो फेल हो जाते हैं तो फिर वो मतलब उनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गुरु कहते हैं कि पहले विचार करो हमारी कितनी चादर है, हमारी कितनी कैपेसिटी है, हम कितना कर सकते हैं, कितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी नीड्स को कम रखो, अपनी इच्छाओं को कम रखो, अपने खर्चों को कम रखो और सत्संग में तो कोई शो ऑफ नहीं है। गुरु कहते हैं ये जो आजकल का ट्रेंड हो गया ना खूब दिखावा खूब पैसा खूब शो ऑफ और कुछ खाना नहीं है, क्यों, ओवर फिगर कॉन्शियस। तो गुरु बता रहे हैं कि अब पहली स्थिति ऐसी है कि उसमें ना कामना होती है ना कर्म होता है, दूसरी स्थिति है
कामना होती है पर कर्म नहीं होता, ये बहुत ख़राब है। तीसरी स्थिति है जिसमें कामना भी होती है कर्म भी होता है। तो ज़्यादातर संसार में यही स्थिति होती है, पर कर्म भी हो रहा है कामना भी है। पर देखना ये है कि हम ऐसे कर्म करें जो शास्त्र सम्मत हो और संसार में भी हमें दुखी ना करें, बात ठीक से अति किसी भी चीज़ में ना हो। अति का ना भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना दूर। अति में कोई काम नहीं करना। बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं तो अति में कर लेते हैं, पैसा कमाते हैं तो अति में कर लेते हैं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, सोचते नहीं पैसा साथ जाएगा। फिर इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, सबके हित के लिए कुछ कर रहे हैं, वो तो पिछले पुण्यों से आ रहा है, अब क्या कर रहे हैं। चौथी स्थिति क्या है, कामना नहीं होती पर कर्म हो रहा, वो सबसे अच्छी है। ढलान पे गाड़ी छोड़ दी, इंजन बंद कर दिया, अब कर्म हो रहा। तो गुरु कहने की बेस्ट स्थिति है, यही हमारी स्थिति होनी चाहिए कि कामना कोई नहीं है पर कर्म हो रहा है, सेवा हो रही है। गुरु जी की संस्था है, भगवान की संस्था है, हम सब लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी का परिवार है, सेवा हो रही है। या हम एक परिवार में रहते हैं, भगवान का परिवार है, भगवान का की सेवा करते हैं और भगवान के लिए करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सेवा हो रही है। सेवा में क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जैसे गुरु जी एग्जाम्पल देते हैं कि हम अपने फ्रेंड के बहन की शादी में गए, हम सेवा कर रहे हैं, घर से अचानक बुलावा आ गया कि भाई कुछ इम्पोर्टेंट कार्य है आ जाओ, तो हम झट दोस्त से कह के चले गए, यार घर में कुछ काम आ गया हम जा रहे हैं। तो रुक सकता है, पर हमने 10,000 रुपये लिए एक दिन में काम करने के, तो अब हम जा सकते हैं नहीं। अगर कामना होगी तो बंद हो गए, कामना नहीं होगी तो सेवा होगी। भगवान ने कहा ऐसा पुरुष जो है वो पंडित होता है और बुद्धिमान होता है और ज्ञानी जन होता है, तो उसके सब कर्म जो है वो सुचारू रूप से शास्त्र सम्मत करने योग्य कर्म करता है, जिससे किसी का अहित होता हो ऐसा कर्म वो कभी नहीं करता। अब उसके सबके सब कर्म जो है कामना और संकल्प से रहित होते हैं, कोई भी कर्म उसका संकल्प सहित नहीं होता। प्रातः काल सुबह उठने से लेकर रात तक स्नान शौच खाना पीना पूजा पाठ जप चिंतन ध्यान समाधि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित हो जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं गुरु ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मान। अब क्या होता है कि ज्ञान अग्नि क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ। वो आत्मा से तो कोई कर्म नहीं होता, अब शरीर मैं हूँ नहीं तो क्या हो रहा है, इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं। आँख ने देखा का आँखों ने सुना और हाथों से काम हो गया। जैसे सामने प्लेट आई, मुख को दिया, मुख ने पेट को दिया, पेट ने डाइजेस्ट किया, हाथों को शक्ति आई, हो गया। सबने एक दूसरे को दे दिया, किसी ने अपने पास नहीं रखा, क्या हो गया, ये कर्म योग हो गया। अब ज्ञान अग्नि से सब कर्म जल के भस्म हो जाते हैं, मतलब वो अपने को शरीर नहीं मानता और वो कहता है ये सब गुण गुणों में बरत रहे हैं, सब सेवा हो रही है, तो ये ज्ञान अग्नि है। तो जिसमें प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, प्रकृति से संबंध विच्छेद होने से उसके सब कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। और पहले बहुत चलता था ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मान, कौन कौन से कर्म जलकर भस्म होते हैं, उसके क्रियमान कर्म जल जाते हैं, खाते में नहीं आते क्योंकि उसको कर्तापने का अहंकार नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, उसके संचित कर्म जल जाते हैं। अब संचित कर्म क्या है, जन्मों जन्मों के हिसाब किताब, उसका चित्त, वह चित्त भी जल जाता है। और क्रियमान कर्म आते हैं उसके सामने, उनसे वो समता में होने के कारण उसको सुखी दुखी नहीं करते। संतों को भी देखिए, उनकी प्रारब्ध भोगनी पड़ती है, भक्त को भी, भक्त के सामने भी आते हैं सुख दुख, पर वो उनको कुछ ये भी कहा जाता है कि भक्त की फाइल भगवान के पास होती है तो वो उसको सूली से काटा कर देते हैं। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थाई परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं।
बहुत छोटा सा कर्म उसका सामने परिस्थिति आती है और वो नष्ट हो जाते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वह होते हैं जो कि संसार का त्याग करके भजन में, जप में या सेवा में, सत्संग के कार्य में लगे हुए, तो उनको तो लोग कहते हैं हाँ ये तो बहुत श्रेष्ठ। उनके लिए क्या कहा, त्यागी शोभा जगत करता है सब कोई, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया ग्रस्ती संत का भेदी विरला होए। कह रहे जो त्याग करके संसार का और भजन में सत्संग में लगा हुआ है उसको तो सब श्रेष्ठ मानते हैं, पर जो गृहस्थ में रहते हुए निर्लेप न्यारे होके अपने कर्मों को करता है उसको बहुत कम लोग समझते। तो कह रहे दोनों में आप योगी हो सकते हैं, आप सब कर्म त्याग के भी और आप गृहस्थ में रहते हुए भी निर्लेप न्यारे होके सब सेवा कर सकते। ग्रस्त में रहे जो उदास, नानक हम ताका दास। ग्रस्त में रहे उदास मतलब निर्लेप न्यारा। गुरु कहते हैं उदास मतलब ये नहीं कि उसका मूल उठका हुआ है और वो दुखी है, दुखी नहीं है वो निर्लेप न्यारा है। तो कह रहे हैं त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर जो ग्रस्त में रहते हुए निर्लेप न्यारा रहता है, उसकी कहीं आसक्ति नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है, कोई कर्तापना नहीं है, उसका कोई कर्म उसके खाते में नहीं आता, उसको कोई नहीं समझता। जैसे कमल का पत्ता जल में निर्लेप न्यारा रहता है ना, किसी चीज़ से लिप्त नहीं होता, कीचड़ से भी नहीं, किसी से उसके ऊपर एक बूंद अगर पानी की बूंद ही पड़ जाए उसके पत्ते के ऊपर या कमल के ऊपर तो वो भी निर्लेप न्यारी रहती। तो कह रहे ऐसे ही जो ज्ञानी है वो कर्मों को करता हुआ भी निर्लिप्त रहता है और कर्मों से लिप्त ना होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। कह रहे कर्मों में निर्लिप्त रहना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। भगवान ने उसको बुद्धिमान पुरुष कहा है, ज्ञानी जन और पंडित कहा है, जो कर्मों से कर्म करते हुए निर्लेप न्यारा रहता है उसको साधारण नहीं मांगा, भगवान ने ज्ञानी जन और पंडित कहा है। भाव ये है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी, जो कर्म करते हुए भी निर्लेप न्यारा रहता है और उसके सब कर्म जलकर ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाते हैं, उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं और वो अकर्म में भी कर्म देखता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, अनंत अनंत शुक्राने हैं।